अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है। अरशद भाई, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अरशद भाई, आपके वीडियो देखने के बाद मैं तबीयत खुश हो जाती है। अरशद भाई, आपके वीडियो देख के आप गरीबों की बहुत मदद करते, हेल्प करते, बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारी भतीजी भी जो है वो पापीचारे भी उन्होंने देख के, बच्ची पापीचारी रो लेते ही देख के लोगों को, तो बहुत अच्छा दिखता वो। आप बच्ची को लेके अच्छा काम कर रहे हैं साहब। अरशद भाई, गरीबों की हेल्प कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं साहब। मेरे भी 5,000 फॉलोअर पूरे हो गए साहब। 60,000 मिनट सेकंड्स क्या है साहब, वो कंप्लीट होने का है। हम भी आपकी तरह देख के, आपके वीडियो देख के जो है सो सीखे साहब। आप लोगों के वीडियो देख के आप लोगों की मदद करते। मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ सर, वेल्डिंग का कारखाना था। बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने कारोबारों पर लग गए। अब उम्र भी जो है सो नहीं हो रही, अब कारोबार करना तो बहुत मुश्किल की बात हो गई ना साहब। हर चीज़ महंगी हो गई, मजदूरियाँ महंगे हो गए। अब रेटा वैसे नहीं है दे सके, दुकान का किराया, लाइट का बिल, कारीगरों को खाने को पीने को हर चीज़ देना पड़ता ना सब। अब नहीं है उतना सब, बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने कारोबार कर ले रहे। हम भी आप लोगों का देख के जो है सो सीख लिए। मैं भी 16 साल दुबई में रह के आया सब। दुबई में कारखाना था, 2000 में आ गया मैं। कुछ कुछ हालात कुछ ऐसे हो गए थे, सब कुछ जो चीज़ कमाए थे सब, जहाँ जाना था चलेगा आ जाता। अच्छा वक्त भी आता, बुरा वक्त भी आ जाता इंसान के संग। अच्छा बुरा तो इंसान के पीछे ही लगा हुआ है। अरशद भाई, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप, गरीबों की मदद कर रहे, बहुत अच्छा लगता साहब आप लोगों को देखने के बाद में। हमारे भी वीडियो देखे तो आप वायरल करिए, हमारा भी वीडियो देखे साहब। कोई भी वीडियो आगे हम भी हेल्प कुछ भी होंगा, जितना भी हमसे हो सकेगा, हम भी दोस्तों से मिल के करके हम भी कोई चैन बना के कुछ काम करेंगे साहब। क्यों 10 रुपये क्यों नहीं होते, किसी की मदद करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह साहब। जो भी होता, गरीब लोग दवाखानों में रहते साहब, परेशान लोग रहते, उन लोगों को जाएंगे सर, मदद करेंगे। कुछ भी हो सकता, जो भी होगा खिलाएंगे सर, खाना होगा। या आप लोगों का ओड़ा पाव दिल्ली में मशहूर होगा साहब। ओड़ा पाव बम्बई और दिल्ली में मशहूर होगा। शुरुआत छोटे मोटे से करेंगे सर, जितना भी हो सकता। तो इंसान कुछ करने के बाद में कुछ सीखता ना सर। क्या अरशद भाई, आप लोग वहाँ भी छोटे से ये मुकाम पे आए तो कुछ ना कुछ मेहनत करके आए ना, हमको भी मेहनत करना ही पड़ेगा। अब हमारी उम्र तो ऐसी बेकार बैठने की उम्र है। हम भी देखे आप लोगों के वीडियो देखे, कहे मेरे मैं TRS पार्टी में काम करता हूँ, डिवीज़न प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन पार्टी अब नहीं है हमारी पार्टी। अब TRS कांग्रेस की हुकूमत आई, TRS पार्टी अब घर में बैठी हुई है। तो हम लोग बोले अब क्या करेंगे, अब ये तो काम करेंगे, चलो आप लोगों के वीडियो देख लेते बैठते घर में। हम भी सोचे हमारे पार्टी में काम करने से, हम वीडियो धनाधन डालने करने से हमारे आइडिया बंद हो गए थे। आपका देख के सीखे फिर अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आप लोग भी ज़रा हमारे वीडियो को भी हेल्प करिए सर, आप लोगों का हेल्प बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे काम कर रहे हैं, हम भी ऐसा हैदराबाद में शुरू करेंगे, हमारा देख के और भी करेंगे सर। आप लोग तो कर रहे हैं, आप लोग तो यूट्यूब पर फेसबुक पर धूम मचा दे रहे सर। हमारे को भी मौका दीजिए, आप लोग जितने भी हैं मेरे भाई देखने वाले, यूट्यूब फेसबुक पर जितने भी भाई चैनल देखने वाले हैं, वीडियो को ज़रा वायरल करिए भाई। सुने भाई, हम लोग भी गरीबों की कुछ मदद कर सकते हैं सर। आप लोगों से एक दूसरे की मदद करने से ही इंसान आगे बढ़ता सर। ज़िंदगी है, एक दूसरे को लेके चलना ही पड़ेगा सर। दुनिया में सब छोड़ के जाना है ना सर, कुछ लेके जाना तो नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिए। ईद मुबारक भाई। आपके जब वीडियो वीडियो देखता हूँ भाई, शाहिद भाई आपके वीडियो देखता हूँ तो बहुत अच्छा दिखता भाई, बहुत अच्छा दिखता मेरे को, बहुत खुशी होती। मैं देख के ही उसके लिए वीडियो बनाया, मैं सोचा अपन भी ऐसा काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, जितने हैं भाभी को, उन लोगों को सबको सलाम बोलिए सर। वाला को, वाली साहब को, जितने भी है सब, उन लोगों को सबको हमारे तरफ से सलाम बोलिए। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, गोलकुंडा में रहता हूँ सर। जब भी हमारा वीडियो आ गया साहब, ये सूरत नज़र आ गई तो वायरल कर दिए साहब। आप लोग भी लोगों को बोलिए, वायरल करिए, बोल के हो सकता गरीबों की मदद हो जाए। यहाँ पर भी हैदराबाद में कई गरीब लोग जी लेते सर, हमारे एक वीडियो बनाने से, किसी के कुछ करने से अच्छा ही होता ना सर, भला हो जाता। मरने के बाद में क्या आता सर, ये चीज़ काम आने वाली है सर। हमारे काम क्या आएंगे सर, जो लेके जाएंगे ये काम आएंगे ना सर। दुनिया से तो लेके जाना है, मौका तो मिलेगा नहीं फिर बाद में कि ज़िंदगी में, फिर मौका कब मिलता क्या नहीं मालूम। मौका मांगे तो भी अल्लाह ताला मौका नहीं देते सर। अब भी 6 टाइम कर लेने का, जो भी करना है अभी करना है इंसान को। सर अपने अच्छा ही है ना सर, यही अमाल है हमारे।
गरीबों को खाना खिलाना बहुत बड़ी इबादत है सर। गरीबों की मदद करना, उनके दिल से जो दुआ निकलती सर। हर इंसान अच्छा खाना, अपन अच्छा खाना खाते सर, वो लोग भी हमारे ऐसा खाना खाए, वो भी खुश रहे, दुआई मिलती सर। हमारे सामने हम कर रहे सर, हमारे बच्चों के सामने अच्छा ही आता सर। हम करेंगे तो माँ बाप अच्छा करे तो बच्चों के सामने आता सर। इसका सिला अल्लाह देते, इसका सब्र से देते, देर से देते, लेकिन देते सर। शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कभी भी हमारा वीडियो देखो, दुआ में याद रखिए हमारे को। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरशद भाई, दिलो जहाँ से आपको, दिलो जहाँ से चाहते हैं साहब, दिलो जहाँ से बहुत 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 मुबारक हमारी, हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। खुदा हाफिज़ साहब। वीडियो बहुत लंबा हो रहा, माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों के बातों से बात करें तो वीडियो कितना बन जाता, समझ में नहीं आता, लेकिन आप लोगों को देख के वीडियो बनाना सीख रहे सारी। कुछ भी इसमें गलतियाँ हो तो माफ़ी चाहते हैं आपसे, गुस्सा से ही माफ़ी सर। खुदा हाफिज़ सर।